मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, बिहार में जिस तरीके से खींचातानी देखने को मिल रही है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, और यहां पर देखिए पशुपति पारस की जब से एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में खलबली का कारण बन गया है। जी हां, आपको बताएं पशुपति पारस जब से अमित शाह से मुलाकात करके आते हैं, प्रिंस राज से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अटकलें लगाई जाने लगती है कि अब जो है चिराग पासवान का पत्ता साफ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पशुपति पारस पर कहीं ना कहीं दाव चलने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हां, आपको बताएं चिराग पासवान जब से लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य दर्जे का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आए, पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान आखिर ऐसा क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके क्या वो पार्टी में टिक पाएंगे, कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आने लगी। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो पूरा समीकरण समझा जाए तो नीतीश कुमार एक बार चिराग पासवान के नजदीक जाते हुए नजर आए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं सीएम पद के रेस में चिराग पासवान का नाम हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये तमाम तरीके की बातें आना, बयान आना, फिर वहीं पशुपति पारस का अमित शाह से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं इस बात की तरह संकेत देने लगते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं चिराग पासवान भी अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं समझौते के तहत इस बार के विधानसभा चुनाव में सीटों का तय किया जाएगा। पशुपति पारस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चाल हो सकती है कि अगर वो 2 से 4 सीटें लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उनको एनडीए में शामिल कर लेगी। वहीं चिराग पासवान भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 की 5 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया था कि वो वाकई में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और यही कारण है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को भी अपनी गद्दी का सर जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी जिस तरीके से बगावती मूड में नजर आए, पासवान जिस तरीके से सीएम पद के रेस में आगे जाते हुए नजर आए, जीतनराम मांझी भी कहीं ना कहीं उसके बड़े दावेदार के तौर पर सामने आए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का डर है। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार चिराग पासवान दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी दोनों मीटिंग करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में राजनीति को कभी भी एक तख्ते पर नहीं लाया जा सकता, कहीं ना कहीं हमेशा बड़ा उलटफेर होने की संभावना बनी रहती है। और खासकर नीतीश कुमार के अगर एक इतिहास देखा जाए तो बार बार जिस तरीके से पाला बदला है और उनका नाम भी पलटू चाचा के तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू होगा या फिर ये दोनों खुद से पार्टी से बगावत करते हुए फिर से नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति किस तरफ जाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।